गया था वहां SCO की मीटिंग के लिए, गए वहां मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए वापस। जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद न रखें और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे ताल्लुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। जयशंकर इज अ सीजन डिप्लोमेट। देखें, उनका काम यह है चीजों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। स्पीच डॉक्टर जयशंकर देते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है जिसको चार गुना ज्यादा कीमत पे चीजें खरीदनी पड़ती हैं रोजमर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। ताल्लुकात बेहतर कर ले नवाज शरीफ ने कहा इंडिया से, तो पाकिस्तान में महंगाई भी कम हो जाएगी, गुर्बत भी कम हो जाएगी और हो सकता है कि वो जो मोदी का जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पिछले हफ्ते बयान जारी किया था कि पाकिस्तान कर्जा ना मांगे बल्कि अपने मुल्क के अंदर मोदी का एजुकेशन सिस्टम लेके आए। अब SCO खत्म हो गया। डॉक्टर जयशंकर ने इनकी फिर बेइज्जती करी कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो और फिर तुम भारत से ये बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार, नहीं करनी हमें ये। अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है, ठीक है जी, अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है तो पाकिस्तान के लोग भी बड़े गुस्से में इस फील्ड में आते हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान की साबिक एम्बेसडर है मलीहा लोधी, उन्होंने कहा स्टेटमेंट में उनकी चल रही थी के जी पाकिस्तान जो है इट विल नॉट बैग फॉर डायलॉग विद इंडिया। जय हिंद दोस्तों, SCO मीटिंग से आने के बाद जयशंकर साहब का पहला पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट और बहुत साफ सिंपल स्टेटमेंट था। क्वेश्चन पूछा गया कि आपको SCO में जाके कैसा लगा पाकिस्तान की ये वो, स्वागत बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ, ऐसा हुआ। उन्होंने सिंपल सी बात कही, गए हाथ मिलाए और चले आए। मतलब एक औपचारिकता थी, SCO की एक गरिमा थी, भारत SCO का प्राउड मेंबर है इसलिए भारत उसका हिस्सा बना, इस मीटिंग का हिस्सा बना, गए हाथ मिलाए और चले आए। जयशंकर साहब का यही सिंपल सा स्टेटमेंट था। इट मीन्स उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा उम्मीदें ना करे जब तक टेररिज्म पे काउंटर पाकिस्तान नहीं करता है। जब तक लखवी, हाफिज सईद जैसे, मोहम्मद जैसे ऑपरेट करते रहेंगे पाकिस्तान से, तब तक पाकिस्तान से कोई समझौता नहीं, कोई बात नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, SCO की एक अपनी गरिमा होती, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे बिलावल आए थे ना जब भारत में SCO की मीटिंग थी गोवा में, तो उसी तरीके से भारत का भी इस ग्रुप के प्रति एक प्रतिबद्धता थी जिसको निभाना था, तो उस ग्रुप की गरिमा को बनाने के लिए जयशंकर साहब वहाँ पे चले गए। पाकिस्तान के लिए नहीं, ये SCO के लिए गए थे जयशंकर साहब और वो क्लियर कर दिया। पाकिस्तान ये स्टेटमेंट सुन के जल पड़ा क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा दी थी कि अब ट्रेड होगा, बातचीत होगी, रिश्ते सुधरेंगे, ये वो। डॉक्टर जयशंकर इज अ सीजन डिप्लोमेट। देखें, उनका काम यह है चीजों को ब्रेक थ्रू कैसे करना है। यू शुड वर्क फॉर दिस। अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी डिजायर है कि वो चाहता है कि भारत के साथ जो है वो मामलात नॉर्मलाइज किए जा सकें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आज रेड कार्पेट बिछाया है डॉक्टर जयशंकर के लिए, और वो रेड कार्पेट जो है दैट इज बिकॉज के हम समझते हैं कि इंडिया एक इम्पॉर्टेंट मुल्क है इस खित्ते का, और इसकी वजह से हम जारी बात है उसको रिसीव कर रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर इंडियन लीडरशिप इस मसले में बिजी रहती है, और वो कल भी जब स्पीच डॉक्टर जयशंकर देते हैं तो वो पाकिस्तान के ऊपर सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, फिर वही कहते हैं जी दहशतगर्दी करवा रहे हैं, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इट विल बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और पाकिस्तान को जारी बात है टफ वो देना पड़ेगा। सो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें हैं। अब देखना, क्वेश्चन ये है कि अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है, ठीक है जी, अगर इंडिया डायलॉग के लिए राजी नहीं है तो पाकिस्तान के लोग भी बड़े गुस्से में इस फील्ड में आते हैं। मैं देख रहा था पाकिस्तान की साबिक एम्बेसडर है मलीहा लोधी, उन्होंने कहा स्टेटमेंट में उनकी चल रही थी के जी पाकिस्तान जो है इट विल नॉट बैग फॉर डायलॉग विद इंडिया। मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर मैंने जो देखा है आज तक, पाकिस्तान की जो डिप्लोमेट्स हैं दे आर वेरी टफ व्हेन इट कम्स टू ऑन इंडिया। वो एक उनका एक और स्टाइल है।
ठीक है जी, सियासतदान नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो जरदारी, वो चीज़ें हैं, ठीक है जी, वो सारे बातें कर रहे हैं, डायलॉग होना चाहिए, पाकिस्तान के रिटायर्ड सारे डिप्लोमेट कह रहे हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वो पंजाबी कहते हैं इंडिया भावें चंद दे साउथ पोल तो नॉर्थ पोल तक भी टुर जाना, द क्वेश्चन इज ऑलवेज इंडिया एंड पाकिस्तान की बात होगी। अगर इंडिया ये कहना जी कि हम जनाब इस वक्त नॉर्थ पोल से किधर और उतले पोल तक टुर गए हैं, इट डजेंट मैटर, द पॉइंट इज दैट इंडिया एंड पाकिस्तान शेयर द हिस्ट्री, दे वी हैव बीन टुगेदर वंस, एक वो जैसे कहते ना एक चीज रही थी, तो वो उस चीज को किया है। सो कि आतंकवाद तुम करो, कलेश तुम करो, फसाद तुम करो, और फिर तुम भारत से ये बोलो कि यार हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारी ट्रेड तो हो ही सकती है, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो ही सकता है, बाकी सारी चीजें हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं यार, नहीं करनी हमें, नहीं करनी हमें। जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, डॉक्टर जयशंकर, क्यों? डॉक्टर जयशंकर ने आपको आपकी औकात दिखा दी। देखिए, आप कोई भी उम्मीद ना रखें, और जो पाकिस्तानी भारत से अच्छे तालुकात की उम्मीद रखता है वो बेवकूफ है। मैं सख्त बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं, आप बेवकूफ हैं। भारत कभी आपसे दोस्ती नहीं करेगा। ये आप अपने गेम बना के कि इस बार मोदी सरकार की एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आई और अगर राहुल गांधी का ये हो गया तो पाकिस्तान से बातचीत, वो बात छोड़ दो यार कि मोदी जी की सीटें कम आई और राहुल की इतनी सीटें, वो छोड़ दो। आप में इतनी लालच क्यों है मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आप क्या है, बातें क्यों होती हैं टीवी पे, सोशल मीडिया पे कि अब ये हो जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, तो फिर वो वहां पे बात कर रहा है नवाज शरीफ, वो कह रहा है कि मोदी जी आते तो अच्छा होता, बरखा दत्त के इंटरव्यू पे, क्यों मोदी जी क्यों आते यार, अच्छा क्यों होता? तुम्हारा मतलब तुम्हें नए नए एरिया चाहिए मांगने के लिए। मैं बता रहा हूं ये पाकिस्तानी लालची हैं, ये भारत से सिर्फ ये चाहते हैं नॉर्मलाइज इसलिए हो जाए क्योंकि यहां से भी कुछ मिल जाए। अब मैं आपको, आप सोच रहे होंगे मजाक उड़ा रहा हूं, आई एम ट्रोलिंग देम, नो आई एम नॉट ट्रोलिंग देम यार। ये कहते हैं कि आलम इस्लाम के चैंपियन है, पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूं, इनके पास एटम बम है, आलम इस्लाम के चैंपियन है, ये है वो है। आपने कभी देखा किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को, वजीर आजम को, कोई गरीब मुस्लिम देश जाते हुए? दे विल नॉट गो यार। इमरान खान ने ट्रेड बंद करके किसका नुकसान किया है? पाकिस्तान का नुकसान किया है ना। अब अगर ये किसी तरीके से ट्रेड शुरू हो जाती है तो हमारा जो कंज्यूमर है जिसको चार गुना ज्यादा कीमत पे चीजें खरीदनी पड़ती हैं रोजमर्रा की, उसके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। और ये तो नेचुरल रूट है यार, वाघा अटारी, वाघा से लेते हुए सेंट्रल एशिया तक, इसमें पाकिस्तान की जीरो इन्वेस्टमेंट है, 100% प्रॉफिट है कि आप लेवीज लें, टैक्सेस लगाएं, और इस इलाके के अंदर जो लोगों की जो मेयार जिंदगी इतना लो है उसको बेहतर किया जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं कर रहा, ये आम अकल की बात है, एनी सेंसिबल पर्सन शुड अग्री टू दैट। तो ये अच्छा था जो उन्होंने बरखा दत्त के साथ जो बात की है, इट वाज वेरी पॉजिटिव। इस वक्त तकाजा भी यही है कि हमारे जो है ना रिलेशनशिप इंडिया से बेहतर हो जाए। नवाज शरीफ साहब तो मोदी का खुद इस्तकबाल करना चाहते हैं, साथ उन्होंने कहा कि मैं मोदी से मिलना चाहता हूँ, मैं इंडिया विजिट करना चाहता हूँ। तो भारतीय मीडिया इसको बहुत पॉजिटिव जेस्चर समझ रहा है, पाकिस्तान में इसकी बड़ी तारीफ होती है। अगर यही नवाज शरीफ साहब यही बात 4 साल पहले कहते थे, कहने से कौम का गद्दार है। देखिए, सबसे पहले ये जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो ठीक इसी हद तक कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, भारत का तो हमेशा से यही स्टैंड रहा है पाकिस्तान को लेके, भारत का करंट गवर्नमेंट का भी स्टैंड यही रहा है कि भाई जब तक टेररिज्म पे लगाम नहीं लगाता है पाकिस्तान, यानी टेररिज्म जब तक बंद नहीं करता है पाकिस्तान, कोई बातचीत नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, एक तरफ से टेररिज्म करते रहो, दूसरी तरफ से ट्रेड होता रहे, तो एक ये तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। ठीक है, कि जो पैसा ट्रेड से पाकिस्तान फिर कमाएगा वो सीधा टेररिज्म पे जाएगा और फिर वही टेररिज्म हमारे आर्मी को नुकसान करेगा, तो इससे बड़ा मूर्ख देश कोई नहीं हो सकता। ठीक है, हाँ, अगर पाकिस्तान हाफिज सईद, लश्कर ए तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ, दाऊद इब्राहिम, इन सबको हैंडओवर करता है, एक गुडविल जेस्चर दिखाता है, कहता है आगे से आतंकवादी गतिविधियों पे हम कंट्रोल करेंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म नहीं होने देंगे, तब तो भारत कुछ सोचे भी। ठीक है, बिना टेररिज्म खत्म किए पाकिस्तान से यार बात करना भी पाप है एक तरीके से। ठीक है, देश के वीर जवानों की वीर गति को भूलने के बराबर है। ठीक है, उन माओ को जिनके बच्चे शहीद हुए उन पर क्या गुजरेगी जब इतना सब कुछ होने के बाद भी हम पाकिस्तान के साथ हाथ मिलेंगे?
कि देश के लिए उनका बच्चा बलिदान दे रहा है और उधर देश के लीडर हाथ मिला रहे, क्या इससे मैसेज जाएगा? ठीक है, तो तब तक वैसे भी करंट गवर्नमेंट जिस तरीके से पाकिस्तान को हैंडल कर दी है, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। पाकिस्तान क्या भारत के एक एक जो दुश्मन बने फिरते थे वो भी अब घुटनों पे आ गए, चाहे वो चाइना हो चाहे वो पाकिस्तान हो, कनाडा भी कुछ ही टाइम लगेगा इनको घुटने में आने। खैर, जयशंकर साहब ने क्लियर कर दिया, गए हाथ मिलाए चले हैं, तो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा उम्मीदें लगाने की ज़रूरत नहीं है।